और प्रेस क्लब सभागार में मुंगिया नेशनल फुटबॉल वॉलीबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। वॉलीबॉल एकेडमी का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। मुंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी झारखंड के गिरिडीह शहर में बनाई जा रही है, जिसमें 12 से 16 साल के 30 बच्चों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके लिए 30 कमरों का हॉस्टल भी होगा। प्रशिक्षकों के लिए भी रहने खाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में यह प्रशिक्षण केंद्र पूरे राष्ट्र में एक अनोखे प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वॉलीबॉल प्लेयर दिलीप तिर्की, विशिष्ट अतिथि पवन कुमार पटोदिया और मोंगिया स्टील के अध्यक्ष डॉक्टर कुलवंत सिंह मोंगिया मौजूद थे। समारोह में झारखंड के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बारह से 16 साल के बच्चों का चयन किया जाएगा, जो कि सभी अपने अपने जिले में, जितने जिले में अपने कोऑर्डिनेटर हमारे हैं, अपने अपने जिले में, अपने अपने एरिया में जो बच्चे आपके यहाँ से चुन के आएंगे, उन बच्चों का कॉम्पिटिशन करा के मुझे सिर्फ 30 सुपर 30 चाहिए और 30 बच्चों का हमने प्रशिक्षण देना है अपने यहाँ। वो 30 बच्चे हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे। जिन बच्चों को हमने अपने पास में रखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर की सारी व्यवस्था हमारे पास होगी। इनॉगर सेरेमनी में आप लोग सभी साथ में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से मोंगिया नेशनल एकेडमी को अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचा पाएंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास में इंतजाम है कि वहां से बच्चे चुने जा सकें और चुनने के बाद आपस में वो लोग को कॉम्पिटिशन करा करके उसमें से हमें 30 बच्चे चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही इसकी शुरुआत करें कि एक ऐसी टीम हम बना के दें कि जो नेशनल में नहीं इस बार जा सकी, वो दुख हमें है, हम स्टेट से ऐसी टीम देंगे। अभी गर्ल्स हम लोग नहीं रख रहे हैं, पहले हम लोग बॉयज से शुरुआत करेंगे, अपने अपने जगह से चुने हुए बच्चों से शुरुआत करेंगे और जो वहां से चुन के आएंगे उन बच्चों को कॉम्पिटिशन से शुरुआत करेंगे और हमारे यहाँ वो बच्चे रहेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारी व्यवस्था मुहैया करेगी। इसलिए हमने एक स्लोगा बनाया था, बंगला बॉल बदले गए थे, मतलब बंगाल का बॉल बदल गया है और हमने बदल दिया। अगर मुंगिया साहब जैसे लोग जुड़ गए तो इस देश में बहुत ही स्टेटों का बॉल बदलेगा और मैं दावे से बोलता हूं वॉलीबॉल का सुनहरा समय शुरू हो गया।